सुबह भाई हमारा तो आधा दिन खत्म हो गया, कब उठेगा बेटे? जिस टाइम मैं उठा था उससे थोड़ी देर पहले तो सोया ही था, पता सब रहा है मुझे रात का। पता नहीं रातों को जाके क्या मजा आता है यार, तुम्हें सारा शरीर खराब कर लिया। अरे छोड़ना, बेचारा सोया ही 3:30 बजे था। क्या छोड़, आपने ही बिगाड़ रखा है। हाँ तुझे ही मैंने बिगाड़ा था। उठ जा बेटे। उठ गया भाई, उठ गया। तुम लोग नाश्ता बता दो, क्या लोगे? फिर सबके अलग अलग डिमांड्स होंगी, मैं अलग अलग कुछ नहीं बनाऊंगी। आजकल की भूख काम करते हुए इतना जोर पड़ता है, हमारे टाइम में 8-8 बच्चे हुआ करते थे, पूरा दिन रोटियां बनाने में निकल जाता था, चेहरे पे शिकन नहीं होती थी। मेरे को तो सूखी रोटी दे दे मलाई के साथ। मैं तो लाइट ही खाऊंगा, मुझे ओट्स बना दे। मम्मी रात को 2 बजे मैगी बना के खा ली थी, एसिडिटी सी हो रही है, मेरे को सैंडविच दे दो। रात को 2 बजे मैगी खानी है, सुबह भाई साहब ने सैंडविच खाना है, ये नहीं कुछ ढंग की चीज खा लो। हाँ तो जब बेचारा रात को लेट सोएगा तुम्हें थोड़ी बोलेगा रात को 2 बजे मैगी बना के दो, भूख लगी उसने खा ली। क्यों बना देगा रात को? फालतू बोल रहा, खा बैठे तू। पापा आप हर बार ना गलत चीज में इसकी साइड ना लिया करो। तो आदतें हैं, कहाँ से रही है उसके अंदर? तू कम बिगड़ा हुआ था क्या? उसकी साइड ना लूं मैं। अच्छा तो वही फाइनल है, पापा मैं आपके लिए फुल्का बना रही हूँ और बाकी सबको सैंडविच मिलने वाले हैं, और आप ही प्लीज ये अपने ओट्स का चक्कर रहने दो। ओट्स मांग रहा है तो ओट्स दे देते हैं इसे। कितना टाइम लगता है ओट्स बनाने में? बिट्टू मैं बना दूंगी तेरे लिए। अरे चलो अब मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे सीए के पास जाना है, कुछ सेविंग्स के बारे में डिस्कस करने, मैंने छुट्टी भी इसीलिए ली है। बेकार का चक्कर, हमारे टाइम में तो लगा ही नोटों पर रबड़ और देता खाने के अंदर। यार पापा डिजिटल करेंसी का जमाना आ गया, कॉइन D6 पे जाके क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करो। तू बताएगा पिद्दी, तेरे पे अपनी जेब में रखे 100 रुपए तो संभाले नहीं जाते। न्यू जनरेशन के बारे में तो फिर मुझे ही पता है, नहीं जानना तो कोई। अच्छा बता, कॉइन DCX इंडिया का सेफेस्ट और सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है विद 1 करोड़+ रजिस्टर्ड यूजर्स, तो इस पे इन्वेस्ट करो ना। और पापा कॉइन DCX मेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड ऑनबोर्डिंग इजी फॉर बोथ न्यू एंड एक्जिस्टिंग कस्टमर्स। अरे बेटा इसमें तो बहुत बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, इतना हमारे पास कहाँ है? 200 रुपए मेरे पे संभाले नहीं जाते ना, 1900 रुपए के बिटकॉइन से आप स्टार्ट कर सकते हो और मिनिमम 10 रुपए की भी क्रिप्टो खरीद सकते हो। और ये सब चलाना कौन सिखाएगा, हमें क्या पता कैसे कैसे चलाते हैं। पापा कॉइन DCX एक फ्री लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, DCX लर्न, जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और ऐसे ही बहुत सारे क्रिप्टो रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सीख सकते हो। भाई हमें तो भरोसा होता नहीं इन सब चीजों पर। दादाजी ISO सर्टिफाइड है और बहुत सारे इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और विड्रॉल पासवर्ड। अच्छा DCX has now developed 7M model to manage risk associated with cryptocurrencies. समझ भी आया आपको? इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और क्या चाहिए। सो डाउनलोड करो कॉइन DCX, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइन अप करो मेरे कोड से Raj100 और पाओ 100 रुपए का सैंपल बिटकॉइन। और हाँ, इन्वेस्ट ऑन कॉइन DCX, क्योंकि फ्यूचर यही है। क्या बात है, पढ़ ले जाके। मम्मी यार मुझे भी गाड़ी चाहिए, अब मेरे सारे दोस्त गाड़ी से ट्यूशन आते हैं, मैं स्कूटी से जाता हूँ। टेंशन भी बराबरी होती है दोस्तों से, पढ़ाई में भी कर लिया कर। ऐसा है, शुक्र मना तुम्हारे पास स्कूटी है, हमारे पास साइकिल होती थी, साइकिल से जाते थे। 10 किलोमीटर स्कूल था हमारा, 5 बार चैन उतरती थी और हवा भराने के पैसे नहीं होते थे हमारे पास। तो उस टाइम किसी पे साइकिल भी नहीं थी, जब से लेके दी थी पूरे गांव में हमारे पे थी साइकिल, कर्जा लेके दिलाई थी इसे। असली स्ट्रगल तो हमने किया है, नदी पार करके स्कूल जाता था मैं। नहीं मैं कौन सी नदी पार करके जाऊँ, यहाँ तो नदी है ही नहीं, और आपको भी नदी के पार वाले स्कूल में एडमिशन लेना था। चुप रह, आपके और मेरे जमाने में बहुत फर्क आ चुका है, उस टाइम लड़कियाँ प्रेम पत्र में मान जाती थी, इस बार प्रेम पत्र दोगे ना जूते पड़ेंगे। अच्छा लड़की का मामला है, फिर तो चाहिए रहेगी गाड़ी। क्यों जी बहुत बिगड़ चुका है माधव, तू सही बता रहा हूँ। बच्चे तो बिगड़ेंगे जब आजकल की माए ही कारों से नीचे नहीं उतरती, इन्हें ले दे के मैं ही नजर आती हूँ। मामला गर्म हो गया, मुझे यहाँ से फुट लेना चाहिए। बिट्टी रश्मि तैयार होके कहाँ जा रही है? पता नहीं मम्मी। ये तो सोचती नहीं है, तू तो समझदार है इसलिए तुझे समझा रही हूँ, इतना पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। रोज रोज का बाहर का खाना, शॉपिंग, पार्टियाँ, महीने की 3 दिन किटिया चल रही है रश्मि। अच्छा हमारे टाइम में हम कहाँ इतने खर्चे करते थे, 2 जोड़ी कपड़ों में जिंदगी निकाल ली। चलो मैं समझाता हूँ इसको अभी। कहाँ जा रही है? किटी है मेरी, मुझे 5,000 रुपए दे दो। ले ऐसा कर, थोड़े एक्स्ट्रा है ये, 7,000 है ये रख ले, कोई बात नहीं। थैंक यू। कुछ और जरूरत हो तो बता देना। निकम्मा। मैंने आपसे पैर के दर्द की दवाई मंगाई थी, ले आए आप? टाइम सा नहीं लगा कुछ है। हाँ सारा दिन बिजी भी तो बहुत थे ना आप, आधा दिन आपने धूप से की, आधा दिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। अरे अब मंगा देता हूँ मैं। माधव नहीं बस रहने दो आप, जब से आपका रिटायरमेंट हुआ ना आप हिल के राजी नहीं हो, पता कितना दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। अरे आदम मैं तेरे पैर दबा देता हूँ थोड़ी देर। नहीं रहने दो, याद है कब दबाए थे आखिरी बार? अच्छा रोज दबाऊंगा भाई। मम्मा आप ना मम्मी के सामने ना ज्यादा बना मत करो। कब बना मैं? उनके सामने आपको मैं नजर थोड़ी ना आती हूँ। कमाल है, जो बैठ के काना फूसी कर रहे होते हैं ना मैं सब सुन रही होती हूँ। हल्के हाथ से दबाओ, और दर्द कर दिया।
जनरेशन गैप बढ़ता गया लेकिन पापा लोग मम्मी लोगों से कभी जीत नहीं पाए। हाय गाइस, ये थी मेरे घर की कहानी। अगर आप लोग के घर की भी कहानी थी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना इस चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।